नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं आज की इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिंगापुर, भारतीय समुदाय के लोगों में दिखा उत्साह। सीएम योगी पर अखिलेश का तंज, अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर, चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़िए। रामबन से राहुल ने फूका चुनावी बिगुल, बीजेपी को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 6 सितंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने चुनाव के लिए लॉन्च की चार्जशीट, फारूक अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। सीएम योगी का बयान, माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, चुनाव के बाद सीएम चयन से सो नहीं पाए। राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया ने की मुलाकात, हरियाणा में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। रेलवे कर्मचारियों को अब 100 रुपए का कार्ड दिखाने पर एम्स और पीजीआई में मिलेगा इलाज। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक है। कंगना ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से इमरजेंसी का सर्टिफिकेट रोकने पर सेंसर बोर्ड को लगाई फटकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, हरियाणा में आपसे कांग्रेस का नहीं होना चाहिए गठबंधन। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मोहर, अमित शाह की मौजूदगी में NLFT और ATTF ने किया साइन। पेरिस ओलंपिक में भारत को 21वां पदक, सचिन खिलारे ने शॉटपुट में सिल्वर जीता। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट्स को पीएम मोदी ने दी बधाई। अखिलेश पर केशव मौर्य का तंज, बोले 2027 में भी नहीं पूरा होगा सपाइयों का सपना। हिमाचल प्रदेश में अब 1 को नहीं बल्कि 5 तारीख को आया करेगी कर्मचारियों की सैलरी। भजन लाल सरकार का अहम फैसला, महिलाओं को पुलिस भर्ती में मिलेगा 33% आरक्षण। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण मराठवाड़ा क्षेत्र में 10 की मौत, 11,67,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। प्रयागराज में जाली नोट छापने वाले मदरसे को किया गया सील। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।